न्यूक्लियर वेपन किसी भी देश की सिक्योरिटी पर एक डीप इंपैक्ट डालते हैं और सुपर पावर्ड कंट्रीज भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं। तभी तो 1947 में जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर ऑपरेशन को अंजाम दिया तो उसके बाद इंटरनेशनल उसकी पोजीशन ही बदल गई। इससे पहले जो चाइना सीधा भारत की टेरिटरी में घुसकर उस पर अटैक करने की हिम्मत रखता था, उसने भी साउथ एशिया में इंडिया के स्ट्रांग होल्ड को कंसीडर करना शुरू कर दिया। अब मॉडर्न एरा का ही एग्जांपल लें तो नॉर्थ कोरिया की ऊट पटंग बयानबाजी के बाद भी यूएसए इससे डायरेक्ट भिड़ने से बचता है और डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। रीजन है उसका न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होना। लेकिन यहां पर एक सवाल भी आता है कि जब ये हथियार किसी भी देश को इतनी पावर देते हैं तो क्यों बड़े से बड़े डेवलप्ड नेशन के पास ये वेपन्स नहीं है? आखिर क्यों पावर, पैसा और रिसोर्सेज होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देश इस हथियार को नहीं बनाना चाहते हैं? वेपन न बनाने के पीछे की असल सच्चाई क्या है, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बता देते हैं। 1940 का दशक दूसरा विश्व युद्ध चरम पर था। दुनिया ऐसे हथियार बनाने की होड़ में थी जो उन्हें विश्व विजेता बना सके। अमेरिका को खबर लगी कि सोवियत यूनियन ऐसा हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है। उसने अपने प्रोजेक्ट में तेजी लाई। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ऐसा बम बनाने में कामयाब हुआ। उसने न्यू मैक्सिको में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण ने महज 3 हफ्ते में ही दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसमें लगभग 1,30,000 लोग मारे गए। 3 दिन बाद उसने नागासाकी पर बम गिराया। इसमें लगभग 74,000 लोग मारे गए और 75,000 के करीब गंभीर रूप से घायल हुए। इस बमबारी से डरकर जापान 14 अगस्त 1945 में सरेंडर करने को मजबूर हो गया। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने के लिए 1942 में मैनहेटन प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसमें ब्रिटेन और कनाडा भी शामिल थे। अमेरिकी आर्मी के बड़े अफसर इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक भी इसमें काम कर रहे थे। दोनों देशों के प्रोजेक्ट के लिए जरूरी धातु और उपकरण लाए जाते। 3 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो गया। जानकार कहते हैं कि न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में होड़ लगी रहती है कि कौन सा देश ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की चाह रखते हैं। जब इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आया तो एक और नेशन आगे आने लगा जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था। उसका नाम था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय ये कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास की रोटी खा लेंगे मगर न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप जरूर करके रहेंगे। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए इधर उधर से हेल्प भी मांगी। इसमें उसने चाइना की हेल्प भी ली और कमाल था, दुनिया के न्यूक्लियर प्रोलिप्स साइन करने वाला यूएस चुपचाप बैठा देखता रहा। उन्होंने कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी 1998 में अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर लिया और टेस्ट भी किया। इसके बाद आज तक एक ही नेशन और हुआ है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया। 2003 में उन्होंने रशिया की हेल्प से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया और टेस्ट किए। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया तो पहले न्यूक्लियर प्रोलिफ्ट ट्रीटी का पार्ट भी था, लेकिन इस हथियार को डेवलप करने के लिए उन्होंने इस ट्रीटी से बैकआउट किया और फिर डेवलपमेंट शुरू किया। इसके अलावा एक और नेशन है जो वर्ल्ड में काफी सालों से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने का ट्राई कर रहा है मगर यूएसए उसको चुप करा देता है। इस देश का नाम है ईरान। जी हाँ, ईरान और यूएसए की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है और ये वक्त के साथ काफी बढ़ती जा रही है। और ईरान को अब लग रहा है कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए मगर यूएसए ईरान को बॉम्ब डेवलप करने के सारे रास्ते अभी तक ब्लॉक किए बैठा है। अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।